हेलो गाइस, कैसे हो। तो फाइनली एप्पल आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, चार फोन है पिछले साल की तरह, लेकिन यहाँ पर मिनी को कर दिया है टाटा बाय बाय। उसकी जगह पर यानी उन्होंने लॉन्च किया है बड़ा वाला वेरिएंट 14 मैक्स, जिसमें स्क्रीन साइज मिलती है 6.7 इंच की। जी हाँ, तो ये मतलब ऐसा कुछ डिसीजन है एप्पल का, मिनी को डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि मिनी कोई ज़्यादा लोग नहीं खरीदते थे। बाकी क्या क्या मिलता है इनमें, प्राइसिंग क्या है इंडिया के अपनी, और प्री ऑर्डर्स वगैरह, इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले दो फोन की बात करते हैं, आईफोन 40 और 14 मैक्स। 6.1 इंच का 40 है और मैक्स है 6.7 इंच का। पिछले साल का ही यहाँ पर प्रोसेसर यूज किया है, A15 बायोनिक चिप। जी हाँ, यहाँ पर A16 बायोनिक चिप नहीं दिया है, पिछले साल की तरह ही चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो सेम कैमरा 12 और 12 मेगापिक्सल का बैक में मिल जाता है कैमरा, और आगे भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, और बैटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर सिमिलर ही आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एप्पल 14 और 14 मैक्स में कुछ ज़्यादातर चेंजेस नहीं है 13 के कंपैरिजन में। जी हाँ, तो ऐसे कुछ बात है। और प्राइसिंग की बात करें तो $799 में स्टार्ट होता है आपका 128 GB वाला वेरिएंट 14 का। पिछले साल की तरह सेम प्राइसिंग है, अपने इंडिया में 80,000 हो जाएगा, और जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आएंगे तो वहाँ पर आपको 64,000 या 70 के आसपास इनकी प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। और मैक्स की प्राइस है $899, तो यहाँ पर आप 90,000 बोल सकते हो इसे। तो ऐसी कुछ प्राइसिंग होगी अपने इंडिया की, और यही होने वाली है और यही है ही। और पिछले साल की तरह सेम प्राइसिंग रखी है, बड़ाई वगैरह नहीं है, क्योंकि भाई फोन में कुछ नहीं है तो क्या ही बड़ाई है। प्राइसिंग तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है 13 के कंपैरिजन में। अब ये BBD सेल वगैरह आने वाला है, तो वहाँ पर ना मतलब अमेजोन का वगैरह सेल ग्रेट इंडियन, तो आपको आईफोन 13 ही लेना चाहिए। बाकी अब यहाँ पर 14 प्रो और प्रो मैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज है डिस्प्ले में। फाइनली यहाँ पर नॉच हटा दी गई है, और यहाँ पर ऐसे कुछ आपको पंच होल जैसा साइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो। और इसमें कुछ उन्होंने अलग अलग जेस्चर, एनिमेशन, नोटिफिकेशन वगैरह के मैनेज किए हैं, जो काफ़ी कूल दिखेगा। तो और इन्होंने और जो उनका प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है कॉलिंग के लिए, इस बार उन्होंने डिस्प्ले के अंदर ही लगाया है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ आपको ये पंच होल जैसी नॉच यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी मतलब सही नॉच के अलावा मतलब काफ़ी अच्छा ही है नॉच की वजह। तो ये यहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, और लीक्स हम देख रहे थे भाई, वैसा ही सेम निकला, तो क्या ही बात करें इसके बारे में। बाकी डिस्प्ले में यहाँ पर चेंजेस है, यहाँ पर मैक्स पीक ब्राइटनेस यहाँ पर अभी देखने को मिल जाती है 2000 निट्स की, तो ये काफ़ी गजब है भाई। स्मार्टफोन में ये इतनी ब्राइटनेस नहीं आई अब तक किसी फोन में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर कैमरा में चेंजेस किए हैं, पहला मतलब बैक का जो मेन कैमरा है वहाँ पर 48 मेगापिक्सल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह और फोटो क्लिक करने के बाद जूमिंग करते हो आप, तो वहाँ पर डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। लो लाइट वगैरह इम्प्रूव किया है ऐसे बोला है। बाकी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाता है। सेल्फी कैमरा में भी यहाँ पर चेंजेस के ऐसे बताए हैं, 12 मेगापिक्सल का ही है। नाइट के सैम्पल्स वगैरह काफ़ी अच्छे आएंगे ये सब बताया है। बाकी दूसरे चेंजेस की बात करते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी तगड़ी बात है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह बहुत तगड़ा मिलेगा भाई साहब, और बाकी बैटरी वगैरह थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी ही, क्योंकि प्रोसेसर यहाँ पर नया है, तो ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर फर्क पड़ेगा भाई। पिछले साल ही 10-10 घंटे फ़ोन चलते थे स्क्रीन ऑन टाइम, इस बार तो भाई एक एक आधा घंटा आप ज़्यादा ही पकड़ लो, तो बैटरी में तो भाई बाप है। बाकी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया चेंजेस हैं इन फोनों में, और एप्पल 14 सीरीज है, मतलब चारों ही फोनों में यहाँ पर आपको सैटेलाइट एमएरजी सर्विसिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब अब आप ऐसे एरिया में फंस जाते हो वहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर आप एक सैटेलाइट की मदद से मैसेज वगैरह आप सेंड कर सकते हो लोगों को, वो अपना लोकेशन वगैरह, तो ऐसा कुछ सीन है ये। अपना मतलब सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, और वहाँ से ये मैसेज डायरेक्टली
सेंड कर देता है, तो नेटवर्क वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बढ़िया बात है भाई साहब। और ये एप्पल सीरीज 8 में भी आई है, वॉच सीरीज में भी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फाइनली यही है, 14 और 14 प्रो। 40 है 6.1 इंच का, सेम पिछले साल का था 14 प्रो, और 14 प्रो मैक्स है 6.7 इंच का। तो ये प्रो लाइनअप है, और प्रो लाइनअप की प्राइसिंग की बात करें तो सेम ही प्राइसिंग यहाँ पर रखी है। प्रो की प्राइसिंग है यहाँ पर $999, और यहाँ पर प्रो मैक्स की बात करें तो यहाँ पर है 11,000, और सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर प्रो मैक्स की बात करें तो $1,100 यहाँ पर प्राइसिंग रखी है। पिछले साल की तरह सेम प्राइसिंग है। अब प्राइसिंग वहाँ पर यूएस की देखें तो भाई बहुत कम होती है। अब यहाँ पर प्रो की प्राइसिंग देखें तो भाई लगभग 80,000 के आसपास आ जाती है। लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भाई ये GST वगैरह बढ़ाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1,20,000 के आसपास इस प्रो की प्राइस होंगी, और 1,30,000 रुपये होगी आपकी प्रो मैक्स की, पिछले साल की तरह सेम ही। तो यार ये अपने इंडिया में बन जाती है ना फ़ोन, तो भाई बहुत कम, 80,000 में आप कोई बहुत तगड़ा फ्लैगशिप फ़ोन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई एंड्रॉयड वगैरह में, तो भाई भूल जाओ। तो ऐसी बात है भाई, अभी GST वगैरह है तो यहाँ पर प्राइसिंग ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, और नॉर्मल 14 आपको खरीदना पड़ेगा 80,000 रुपये का। बाकी iPhone 13 आप ले सकते हो भाई फ्लिपकार्ट BBD सेल या फिर अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल। अभी जो मेन सेल होते हैं साल के, वो अभी आ रहे हैं, टीजर वगैरह इनके बाहर आ गए हैं। तो प्रो लाइनअप में ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस किए हैं कंपनी ने। जो 14 और 14 मैक्स है वहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कोई चेंजेस है ही नहीं, तो ऐसा कुछ है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे प्रो और प्रो मैक्स, तो मतलब काफ़ी सही है, थोड़े चेंजेस वगैरह किए हैं और प्राइसिंग मतलब सेम ही रही। बाकी करते ही इस वीडियो को यही ख़त्म। हाँ, प्री ऑर्डर्स की बात रहेगी भाई, 7 सितंबर से ना सॉरी 9 सितंबर से प्री ऑर्डर पे जाने वाले हैं बाहर, तो US में कहा है, और 16 सितंबर से ही अवेलेबल हो जाएंगे। अभी यहाँ पर अपने इंडिया की कंफर्मेशन ही लॉन्च इवेंट में यही बताया गया था। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तेले पीस आउट।